असलम वेलकम बैक टू माई चैनल फैज़नसारी निशा रसोई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दिल से स्वागत करती हूँ और दिल से शुक्र गुज़ार करती हूँ आप सभी मेरी यूटूब फैमिली का अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सी वीडियो बहुत ज़्यादा दिलकश वीडियो होंगी जो एक से एक बढ़कर रेसिपी होगी मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली बन जाए तो आज मैं बना रही हूँ एक एक फेमस रेसिपी माशाला मैं बना रही हूँ मुंबई कराची हलवा तो माशाला ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है लजीज होता है और जब हम कोई मिठाई बनाते हैं तो कोई ख़ास मौका देखते हैं बनाने के लिए या फिर देखते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें लगे कि हमें मीठा बनाना है और खाना है तो चलते हैं रसोई के अंदर बातें तो होती रहेंगी तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है जिस सामान से हम बनाएंगे वो सामान चेक कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है दो कप चीनी तो चीनी मैंने यहाँ पर दो कप ली है मोटी पतली इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस आप मैनेजमेंट कर ले दो कप का तो यहाँ पर दो कप चीनी के लिए हमें चाहिए और हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको हमें चाहिए क्या क्या नींबू तो नींबू हमें सारे नहीं डालने लें इसलिए मैं आपको नींबू दिखा रही हूँ कि हमें क्या क्या सामान चाहिए तो नींबू का रस चाहिए हमें सिर्फ हमें एक नींबू का और यहाँ पर कुछ मैंने ड्राई फ्रूट हैं जो कट कर लिए हैं आपको जो भी नट्स जो भी नट्स पसंद हैं आपको वो आप नट्स काट लें यानी कि जो आपके पास अवेलेबल हो अब यहाँ मैं आपको बता दूँ तो जैसे हमने दो कप चीनी लिए तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमें एक कप लेना है पानी और यहाँ पर लिया है हमने वन फोर्थ घी तो घी को मेल्ट करके लें यानी कि घी को थोड़ा मेल्ट कर लें जब हम यूज़ करेंगे वरना मेरा मैनेजमेंट सही नहीं बैठ रहा था इसलिए मैंने पहले से मेल्ट कर लिया और यहाँ मैं ले रही हूँ एक कप कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च या फिर हरा रोट अगर कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप यहाँ पर हरा रोड भी ले सकते हैं ये मैंने एक कप लिया है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कलर के लिए ग्रीन कलर तो ये फूड कलर है आपके पास अगर जो भी कलर आपको पसंद हो या फिर आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ये कलर के लिए ऑप्शनल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कलर वाला बनाएं तो मैं कलर वाला बना रही हूँ ग्रीन कलर का और जैसे मैंने आपको बताया वन फोर्थ कप मैंने घी लिया है और उसको मैंने मेल्ट कर लिया था तो मेल्ट इसलिए कर लिया था ताकि जो उसका मैनेजमेंट है अच्छे से बन जाए और हिसाब हो जाए तो कढ़ाई रख ली है इसके ऊपर डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर सीवी हमने अपनी चीनी शुगर डाल दिया है और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया एक कप पानी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए तो चाशनी हमें यहाँ बनानी है सिर्फ ओनली एक तार वाली कोई ज़्यादा हमें हैवी चाशनी नहीं बनानी है और गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर रखा है तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं चाशनी तो जब तक हमारी चाशनी डिजोल्व हमारी चीनी डिजोल्व हो रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारा कॉर्न फ्लावर कॉर्न स्टार्च है इसको अच्छे से किसी बॉयल के अंदर करके अच्छे से इसे घोल लेते हैं इसका एक बना लेते हैं बारिक सा एकदम स्मूथ सा बेटर तैयार कर लेते हैं तो क्योंकि हमें कॉर्नफ्लोर कॉर्निस्टार्ट जो होता है या फिर अगर ना भी हो तो आप हरा रोड ले सकते हैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कप पानी और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हमें ज़्यादा पतला नहीं करना इसे तो टोटल इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने बचा लिया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना पानी बचा लिया यानी कि एक कप पानी में से थोड़ा सा बचा यानी कि एक से दो घूट और ये इतना थीखी चाहिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए इतना पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सरक दे देंगे साइड में और चलते हैं अपने कढ़ाई की तरफ तो देख लेते हैं हमारी चाशनी कितनी अच्छे से पक रही है चीनी भी डिजोल्व हो गई है तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर अब भी लो टू मीडियम कर रखा है तो यहाँ पर हमें चाहिए एक तार वाली चाशनी हैवी चाशनी नहीं चाहिए सिर्फ जैसे ही हमें लगे बूंदें टपक रही हैं और लास्ट वाली जैसे बूंद होती है वो मैं आपको बता दूँ जब वो थोड़ी देर से गिरेगी और तार छोड़ देगी हल्का हल्का तार छोड़ेगी तो समझ लो हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है तो यहाँ पर मैं इस तरह चेक कर रही हूँ इसको चला को उठा रही हूँ और बूंद गिरा के देख रही हूँ तो जो लास्ट वाली बूंद हमारी देर में गिर रही है और तार के साथ गिर रही है तो समझ लो हमें वही चाशनी चाहिए तो बिल्कुल हमें यही वाली चाशनी चाहिए तो इससे ज़्यादा हमें नहीं करना तो आप क्या करेंगे जो हमारा कॉर्न फ्लॉर कॉर्न स्टार्च या फिर आपने हरा रोड लिया है तो आप उसे क्या करेंगे अच्छे से मिला लें फिर इसके अंदर ऐड करें तो एक हाथ से चलाते जाएंगे और एक हाथ से हम इसमें डालते जाएंगे तो मैं एक साथ ही सारा डालना नहीं है और इसके अंदर से एक चीज़ बता दूँ मैं आपको आप हमने कोई इसके अंदर से चाशनी नहीं निकाली है कि आधी या फिर आधी से ज़्यादा हमें हरी चाशनी सारी इसके अंदर ही है और हाँ जो मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था यानी कि घी को मेल्ट कर रहा था तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे घी को मेल्ट करके यूज़ कर रही हूँ अभी मैंने आधा डाला है आधा मैं बाद में डालूँगी और इसको अच्छे से चल चला लेंगे और यहाँ गैस का फ्लेम मैं आपको फिर बता दूँ मैंने लो टू मीडियम कर रखा है लो टू मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर कंटिन्यू चलाना है यहाँ पर हमारा मेन प्रोसेस जो है यही है तो मुंबई कराची हलवा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है वो सिर्फ़ यहीं पर ही होती है हमारे अच्छे से इसको भुनाई करने में तो ये नींबू का रस है तो मैंने एक नींबू का बड़ा रस बड़ा नींबू था उसका रस निकाल लिया है आधा डालूंगी और आधा रख दूंगी अगर नींबू आपके छोटे हैं या रसीले नहीं हैं तो दो नींबू ले लें अगर नींबू रसीले हैं और तो आप एक ही नींबू ले लें और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया फूड कलर जो आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर डालें मैं ग्रीन वाला डाल रही हूँ वैसे ये ऑप्शनल है वाइट कलर में भी बना सकते हैं लेकिन कलर वाली अच्छी लगती है बड़ी अच्छी लगेगी एकदम शाइनिंग शाइनिंग सी मारेगी तो मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ और बस गैस का फ्लेम आप यहाँ ही हमने लो टू मीडियम कर रखा अब मैंने लो टू मीडियम से भी इसको बिल्कुल स्लो कर दिया है अब स्लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे अच्छे से तो इसको भुनेंगे इसकी भुनाई ऐसे करेंगे अगर जैसे हमने अपना आधा घी रोक लिया था वन फोर्थ घी था हमारा तो उसमें से आधम ने डाल दिया यानी कि अगर मैं टेबल से बता दूँ तो टू टेबल मैंने इसके अंदर डाल दिया और टू टेबल मैंने रोक लिया कि हम उसे बाद में यूज़ करेंगे तो ये कढ़ाई के ऊपर या फिर पैन के ऊपर डिपेंड करता है अगर हमारा नॉन स्टिक है तो नीचे लगेगा नहीं अगर हम बेड आउट नॉन स्टिक का बना रहे हैं तो हमारा नीचे लगने का थोड़ा सा इसके चांसेस बराबर रहते हैं अगर आपको लगे वेड आउट नॉन स्टिक के बना रहे हैं तो उसके अंदर आप एक दो टेबल रिफाइंड ऑयल या फिर घी जिससे भी आप बना रहे हो उसमें एक दो टेबल फालतू डाल लें तो यहाँ मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है लेकिन ये पूरी फाइनली नॉन स्टिक तो लगती नहीं मुझे जब मैं लेकर आई थी तो नॉन स्टिक के कर ही दिया था लेकिन फिर भी इसमें लगता अब जो हमारा आगे का आधा बचा हुआ घी था जो हमने मेल्ट कर लिया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यानी कि मैंने आधा स्टार्टिंग में डाल दिया था और आधा मैं डाल रही हूँ अब तो इसी के साथ इसको अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ मैंने बिल्कुल लो कर रखा है और लो फ्लेम पर हमारे मेन चीज़ यही है बुनाई तो मैं खास मौके पे बना रही हूँ आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो अब उनके बर्थडे के लिए आज मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए तो खास मौके के लिए मैंने बनाई है उनके लिए कि मुंबई कराची हलवा की मिठाई तैयार करी है माशाल्लाह और जो आधा नींबू का रस बचा था वो भी मैं इसके अंदर कर रही हूँ ऐड तो देखिये जो हमारे नट्स थे यानी कि जो आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल दें और थोड़ा सा रोक लें ऊपर ऊपर की डेकोरेट के लिए अगर आप इसके अंदर नहीं डालना चाहते तो ना डालें आप उसे स्कीप कर दें मैं पास मैंने ज़्यादा काट लिए तो इसलिए मैं अंदर की साइड भी एड कर रही हूँ और बस यहाँ पे इस तरह करते रहेंगे इसे माशाल्लाह से इसी की जो बुनाई होती है यही मेन चीज़ है यहाँ पर ही हमें इसे खींचना पड़ता है एक तरह एक दूसरी तरह से बनता है जो हम चाशनी आधा निकाल लेते हैं और आधा फिर चाशनी को उसको तीन पार्ट में ढक करके डालते हैं लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कराए मैंने बिगा बिना निकाले चाशनी को अब मुंबई कराची हलवा आपको बना के दिखा दिया देखो इस तरह भी बन सकता है तो हम क्या करेंगे कोई भी नाइ नाइफ़ ले लें या फिर स्पून ले लें या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे चेक करेंगे थोड़ा ठंडा हो जाए तो यहाँ पर तब तक भुनाई कर लेते हैं तो हमारा जो स्पून में हमें थोड़ा सा निकाला था वो चेक करने के लिए निकाला था तो देखते हैं किस तरह हमारा ठंडा हो गया अब चेक कर लेते हैं तो मैं इसकी पहचान बता रही हूँ हम कैसे पहचान करेंगे ये हमारा बनकर रेडी हो गया है तो यहाँ पर एक गोला सा बनाएंगे या हाथ में लगेगा नहीं और ये ऐसे खींचेगा लंबा लंबा तो समझ लिया हमारा बनकर रेडी हो गया तो ये रहा है माशाल्लाह चिंगम की तरह आप देख सकते हो स्टेच हो जाए ना बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें अगर ये टूट जाता है तो इसका मतलब है हमारा अभी बना नहीं है इसकी बुनाई हमें अभी और करनी है तो फिलहाल ये रहा है तो हमें इस तरह ही चाहिए तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो गया है तो फिलहाल गैस को मैंने कर दिया बंद और जिस प्लेट में कंटेनर में जिसमें भी आप इसको थिक करोगे यानी कि बिल्कुल जमाओगे इसको रखना होगा कम से कम दो से ढाई घंटे और उसी को आप ग्रीश कर लें और सारा डाल दें इसके अंदर अपना मुंबई कराची हलवा और इसके पीसीस आपके ऊपर तो डिपेंड करता है आप कितने किस तरह के काटोगे तो यहाँ पर मैं स्टील वाला छोटा सा इसको ले रही हूँ और ये जल्दी से रखते के साथ ही जैसे जैसे ठंडा होता रहता है वैसे ये सेट हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है और जो हमारे नट्स थे बचे हुए जो ड्राई फ्रूट आप, आप पास अवेलेबल हो या फिर जिस चीज़ से आप डेकोरेट करना चाहते हो उससे आप यहाँ पर इसे ऊपर लगा दें अब वापस से इसको चला से इसे प्रेस कर दें ताकि जो हमारे ऊपर के ड्राई फ्रूट हमने लगाए हैं वो अच्छे से अंदर इसके अंदर दब जाए वरना ये ऊपर की साइड निकलेंगे तो फिर खाने में ऊपर से हटने लगेंगे तो अब इसे हम छोड़ेंगे कम से कम दो से ढाई घंटा अगर टाइम कम है आपके पास तो आप इसे कूलर पंखे या ए के आगे रख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे दो से ढाई घंटे हो चुके हैं और मैंने इसे और जल्दी की वैसे पंखे के आगे रख दिया था आप कटिंग आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह के कट करेंगे छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बनता है और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगता जिससे हमें घर में चीज़ नहीं होती तो ये चीज़ें हर किसी के अवेलेबल होती हैं तो इस तरह तैयार हो जाता है माशाल्लाह हमारा मुंबई कराची हलवा बनकर रेडी हो गया एक एक पीस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उठ रहा है तो देखिए मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ कितना बढ़िया एकदम सिल्की शाइन हो रहा है बिल्कुल शीशे की तरह चमक चमक रहा है तो देखिए बस माशाला से इस तरह सारे पीस निकाल लीजिए तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके आज, आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मैंने ख़ास मौका बताया था आपको मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो मैंने उनके बर्थडे की खुशी में आज ये रेसिपी दे रही हूँ तो मैंने सोचा आज मैं जब बना ही रही हूँ कुछ मीठा तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए क्योंकि अभी तो मेरे यूट्यूब फ़ैमिली हो तो बस देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है अब इसे निकाल लेते हैं टिकआउट कर लेते हैं डेकोरेट कर लेते हैं इसे एक बड़ी सी प्लेट के अंदर तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी रसोई के अंदर बना है मुंबई के नाची हलवा तो मिठाई के लिए कोई मौका तो चाहिए होता है तो मैंने सोचा ना हस्बैंड की जन्मदिन की खुशी में बनाए डालूँ वो कह रहे थे मनाई कर रहे थे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हो केक कहूँगा तो मैंने सोचा बच्चे नहीं है तो कोई नहीं आपके लिए कुछ मिठाई बना देते हैं स्पेशल तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में